तो सबसे पहले नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सो जैसा कि टाइटल में पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, सो आज हम सैंपल दिखाने वाले हैं फ्यूजी फिल्म XT200 के जितने भी इमेजेस और वीडियो के शॉर्ट्स मैंने लिए थे वो दिखाने वाले हैं। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, बट कोई नहीं, आज हम वो दिखाने वाले और कवर अप करने वाले हैं साथ के साथ में कि कौन कौन से सैंपल शॉट्स अच्छे थे, कौन कौन से बुरे थे, इनडोर आउटडोर या फिर किस किस तरीके से, किन किन सिनेरियो में ये सैंपल शॉट्स आपको किस तरीके से देखने को मिल सकता है। सो वेलकम टू द स्पिनिंग वाइब्स चैनल, मेरा नाम है डीवीजी वाइब्स इंडिया। सो लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आप मतलब ब्लॉग शूट करने के लिए ले रहे हो या फिर आप अपने प्रोफेशनली मतलब अपने आस पड़ोस के या फिर होम यूज़ के लिए या फिर इस चीज़ के लिए, मोस्टली इंडियंस जो होते हैं वो इसी पर्पज़ के लिए कैमरा लेते हैं ताकि आप कहीं पर भी घूमने जाओ, कुछ भी करने जाओ। सो ह्यूमन फेस किस तरीके से ये गोरा करता है या फिर काला करता है या फिर किस तरीके से ये डिटेक्ट करता है, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। मैंने इसके अंदर कोई भी एडिट नहीं किया, मैंने एकदम फ्लैश ऑफ करके जो मोड होता है, मैंने कोई ISO से छेड़खानी नहीं करी। जो ये सारा का सारा सैंपल शॉट है, ये सारा ऑटोमेटिक शॉट है। सो गाइस, सबसे पहले हम पिक्चर्स के इंडोर शॉट के बारे में बात करेंगे, देन आउटडोर, फिर उसका नाइट मोड, उसके बाद हम जाके वीडियोस के अपने इंडोर आउटडोर और नाइट मोड के शॉट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शॉट आता है वो इस तरीके से आप लेंसेज देख सकते हो। ये मैंने इंडोर एक शोरूम के अंदर शॉट्स लिए थे, आप देख सकते हो कि इसके बाद इस तरीके से इंडोर के अंदर जो लाइट्स वगैरह वाला जो शॉट्स होती है लाइट्स के अंदर, मतलब एक स्टूडियो टाइप शॉट, किस तरीके से आप ये भी प्रिटेंड कर सकते हो कि बहुत सारी लाइट्स है इंडोर के अंदर। इसके अंदर हम लाइट्स में शॉट्स किस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से आपको सैंपल देखने को मिलता है, सोनी का कैमरा रखा हुआ है, आगे और भी शॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद इस तरीके से मैंने एक क्लोजअप या फिर यू बोल सकते हो कि मैंने माइक्रो शॉट लेने की कोशिश करी है एक कैमरे के ऊपर। सो ये भी फ्यूजी फिल्म का कोई कैमरा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एनीवेज सो ये माइक्रो शॉट है। इनडोर के अंदर ये आपको एक सैम्पल शॉट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मैंने एक मंदिर के अंदर एक शॉट लिया था, किस तरीके से मतलब आप देख सकते हो कि इमेजेस वगैरह किस तरीके से शॉट्स आते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये सारी शॉट्स मैंने इनडोर के अंदर लिया था जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट्स थी। अब मैंने बाहर निकल के मतलब अंदर की तरफ शॉट लिया है जिससे आपको पता चल जाए कि बाहर कितना डार्क है और अंदर कितनी लाइट्स थी। ये हम कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, आप मंदिर के अंदर देख सकते हो कि हम लोग मतलब, और ये जो मैंने कपड़े पहने हुए थे ये मेरे हिसाब से ये अगस्त की बात थी। मुझे हालांकि थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड कहीं और चला गया था, सो मुझे कलेक्ट करने में वापस टाइम लग गया। एनीवेज सो इस तरीके से कुछ शॉट्स वगैरह मैंने लिए हुए हैं अपने भैया वगैरह के। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में ये मेरी फ्रेंड है शोभा, ये सीढ़ी से मतलब हम ये बैक साइड की सीढ़ी से आ रही है। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बैक साइड का सीढ़ी बहुत ही डार्क होता है, बहुत ही डार्क था, तो हल्की सी भी जो रोशनी आई ना, मतलब ISO ने इतना सही काम किया कि उससे पूरे मतलब पिक्चर्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इस पिक्चर को लेकर कि इतना साफ और क्लियर पिक्चर आएगा। मतलब नाइट मोड में तो सही है, बहुत सही है, इसने लाइट्स वगैरह बाहर से बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है कैमरा, सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये एक छोटी सी बच्ची है जिसका मैंने पिक्चर खींचा था। सो मैं इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे बैकग्राउंड में आप ब्लर देख सकते हो कि किस तरीके से मैं ये ब्लर हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप ब्लर वगैरह देख सकते हो। और ये कुछ सैंपल शॉट्स है, मतलब आप बैकग्राउंड का ब्लर वगैरह भी चेक कर सकते हो इस तरीके से कि बैकग्राउंड का ब्लर किस तरीके से होता है। और फोकस पावर इसका बहुत अच्छा है, मतलब आई डिटेक्ट पावर इसकी बहुत अच्छी है। इसके बाद इस तरीके से आपको कुछ सैंपल शॉट देखने को मिल जाता है ऑफिस के एनवायरनमेंट का। और ये कुछ मेरी पिक्चर्स है जो आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत वाइट वाइट के साथ आपको वाइट किस तरीके से। सो पहले ही बता दूं कि ये पिक्चर्स कोई भी एडिटेड नहीं है, सारी की सारी नेचुरल पिक्चर्स है, मैंने कोई भी पिक्चर्स एडिट नहीं करी है। ये इस तरीके से आपको शॉट देखने को मिल जाएगा, ये कुछ सैंपल्स है और ये आप कुछ शॉट्स वगैरह देख सकते हो। ये सारी इंडोर शॉट्स है, मतलब बेसिक पर्पस आपको दिखाने का ये है। होता क्या है कि घर के अंदर आप बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं, तो घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये कैमरा लेना क्या आपके लिए सही होगा। सो ये बेसिक पर्पस बताने का यही है कि ये घर के अंदर के लिए भी बहुत बेस्ट है। ये आप देख सकते हो कि मेरे घर के स्टैचू टाइप का रखा हुआ है, आप सैंपल शॉट देख सकते हो। और इस तरीके से मैंने फ्यूजी फिल्म का लीड का शॉट लिया था, सो आप देख सकते हो ये हम लोगों का शॉट है। मतलब ये मतलब अगर आप सेल्फी मोड में लेते हो और जूम आउट करके लेते हो तो कितना हद तक आपको वाइट रेंज दिखाएगा, ये बेसिकली ये फोटो में बताने का ये मकसद है। सो ये वाइट रेंज काफी हद तक कर देता है, आप देख सकते हो। मतलब लाइट्स वगैरह भी बहुत अच्छे डिटेक्ट करता था, मतलब फेस को एकदम बहुत नेचुरल रखता है, फेस के साथ कोई भी छिड़कानी नहीं करता। इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक प्रोडक्ट है जो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये जो चेन टाइप की रखी हुई है,
इसको अगर मैंने फोकस किया तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से ब्लर होता है। अगेन हमने इस फैन को फोकस करा है और देख सकते हो कि ये कितना बेहतरीन तरीके से ब्लर हो रहा है, ठीक है, मतलब आगे का भी और पीछे का भी बहुत एकदम स्मूथ ब्लर हो रहा है। इसके बाद ये मेरे फ्रेंड का वापस से मैंने एक मतलब पिक्चर शॉट लिया था, सो आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से मतलब यहाँ की जो पिक्चर है, जो भगवान की पिक्चर है, वो किस तरीके से ब्लर कर दिया। और आप फेस वगैरह देख सकते हो, फेस भी बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ही मतलब फोकस रखा हुआ है, फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक क्लोजअप शॉट लिया था तो आपको दिखाने के लिए कि बैकग्राउंड इसका ब्लर कितने अच्छे तरीके से करता है। और मैं अगेन बता दूं कि ये सारे के सारे शॉट्स वगैरह मेरे सारे के सारे मतलब नेचुरल शॉट्स हैं, मैंने इसके अंदर कोई भी मतलब एडिट नहीं करे और ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ आउटडोर को शॉट देखने को मिल सकता है। ये घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची है, उसका मैंने शॉट लिया हुआ है। सो आप देख सकते हो कि कितना नीट एंड क्लीन और कितना अच्छा लग रहा है, इसमें भी कोई मैंने एडिट नहीं करी। और ये शॉट है गाड़ी के अंदर का शॉट, मतलब इस शॉट में अगर आप देखो तो मैंने इसको अगर ओम को फोकस करा है तो बैकग्राउंड किस हिसाब से ब्लर हो रहा है। ये गाड़ी के अंदर का शॉट है, आप देख सकते हो। और ये गाड़ी के अंदर से ही मैंने एक शॉट निकालने की कोशिश करी थी कि थोड़ा सा अगर मतलब हमारे मोशन मतलब अगर थोड़ा सा हमारे स्पीड में हो तो किस तरीके से अगर हमारी फोटोज आती है। सो इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाता है, जिस वजह से आप खींच सकते हो ये सारी चीजें। सो ये इस तरीके से शॉट देखने को मिल जाता है आपको। आप एक इस पिक्चर के साइड में देख सकते हो, ये एक बैल्कनी के मतलब हम लोग एकदम बैक साइड में खड़े थे। सो ये बैल्कनी का बैक साइड है, इसमें शेडो आ रहा था, इसमें कोई धूप नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने ये पिक्चर इस सैंपल इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को दिखाना था कि ये जो शेडो के अंदर भी कितने अच्छे तरीके से ये पिक्चर को क्लिक करता है, मतलब बहुत अच्छा मतलब आपको एक रिजल्ट आपको देता है। और धूप इस साइड आ रही है, मतलब आप देख सकते हो कि ये सिल्वर वॉल के साइड से जितनी भी पोर्शन है वो सारी धूप में वहाँ पे आती है। और ये हमारा बैक साइड था, सो यहाँ पे कोई धूप नहीं आ रही थी, मैं पहले ही आपको बता दूँ। अगला जो शॉट है वो इसी तरीके से है रेस्टोरेंट के अंदर, इसके अंदर बीच के जो शोभा है, जो बीच की लड़की है, उसको किस तरीके से इसने मतलब अगर आप फेस को जूम करके दिखाऊँ तो इसने मतलब इसको एकदम क्रिस्प रखा है और मुझे थोड़ा सा ब्लर कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा आगे बैठा हुआ था, इस वजह से इसने मेरे को ब्लर कर दिया थोड़ा सा। सो ये जो शॉट है वो ये है कि इसके अंदर क्या हम अपने माइक्रोस फोटोज खींच सकते हैं, तो हाँ जी इसके अंदर हम अपने माइक्रो फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ए भटूर के अंदर भी इसने कितने अच्छे तरीके से मतलब आपने फोकस करा और मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा लगा देखने में। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सैंपल शॉट्स है, इस वाले पोजीशन में इसने बहुत अच्छे तरीके से फोकस करा और इधर को ब्लर कर दिया जैसे कि आपको चाहिए। ये भी कुछ सैंपल शॉट है, अब मैं इसका एक क्लोजअप वर्जन भी आपको दिखाऊंगा कि क्लोजअप जाते ही बैकग्राउंड ब्लर किस तरीके से होता है। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट के अंदर थे और हमारे साइड में एक मतलब मिरर का शीशा लगा हुआ था जिस वजह से हमारे को लाइट वगैरह काफ़ी मिल रही थी, तो हम इसको आउटडोर कंसिडर ही करेंगे। सो आप देख सकते हो कि इधर वाले शॉट में किस तरीके से ये ब्लर हुआ, लाइट्स वगैरह या फिर कुछ भी, और इसने फेस को कितने अच्छी तरीके से डिटेक्ट करा। सो मुझे ये पिक्चर भी बहुत अच्छा लगा देखने में। अगर आपने किसी को कैमरा दिया और उसको यूज़ करना नहीं आता तो आप उनको सिंपली बोल सकते हो कि आप जैसे मोबाइल के अंदर मतलब जैसे आप स्क्रीन में क्लिक करके पिक्चर खींच सकते हो उसी तरीके से आप ये भी खींच सकते हो। सो ये इस तरीके से एक सैम्पल शॉट मैंने लिया था। जो अगला शॉट है वो है आईफोन स्टोर के अंदर हम लोग गए थे, सो इसके अंदर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सो बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि ये लाइट को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है, मतलब मैं तो इसके रिजल्ट को देख के बहुत ही मतलब हैरान रह गया था क्योंकि इसका लाइट का रिजल्ट बहुत अच्छा है सच में। अगला जो शॉट है वो इस तरीके से है, आप बैकग्राउंड देख सकते हो, थोड़ी सी धूप आ रही है और सामने इसने फोकस बहुत अच्छे तरीके से किया है। और आप हाथ को अगर देखें तो हाथ कितने स्मूथ तरीके से ब्लर होता हुआ जा रहा है पीछे। सो ये बेस्ट चीज लगती है DSLR के ऊपर या फिर आप SLR या फिर मिररलेस कैमरा के ऊपर कि मतलब होता है कि आपका जो बॉडी पोस्चर होता है उसको आपने फोकस रखा, एकदम से पीछे से आपने ब्लर कर दिया तो वो बहुत गंदा लगता है देखने में। एक स्मूथ ब्लर होने में बहुत फर्क होता है, जो कि आपको इसके अंदर ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने कुछ मार्केट में, हम लोग सेंट्रल मार्केट में घूम रहे थे लाजपत नगर के अंदर, सो इसके अंदर आप फ्लावर्स वगैरह देख सकते हो, मतलब इस तरीके से मैंने कुछ सैंपल शॉट लिए थे आपको कलर बताने के लिए कि इसके अंदर आपको कलर वगैरह किस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने कोई भी एडिट नहीं की, सारे नेचुरल है फ्लैश ऑफ में, और मैंने एकदम मतलब सारी सेटिंग्स ऑफ करके, मैं नॉर्मल जो सेटिंग्स होते हैं ऑटोमेटिक सेटिंग्स, सिर्फ फ्लैश ऑफ वाली उसके अंदर मैं ये सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से रिजल्ट आपको मिलता है। ऑब्वियसली
फ्लैश के साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन फ्लैश के साथ मैं इसलिए कंसिडर नहीं करता क्योंकि फ्लैश हमेशा पिक्चर्स वगैरह ख़राब कर देते हैं एकदम, जो डायरेक्ट फ्लैश आपके मुंह पे पड़ती है। सो जो कैमरे के जो फ्लैश होते हैं वो एकदम ही डार्क में जब आप खड़े हो तब उसके लिए काम आ सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर विदाउट फ्लैश के आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा काम आएगा। जो अगला शॉट है वो इस तरीके से आप देख सकते हो, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट डेकोरेशन का ही सामान है, इसको लेट्स कंसीडर कि डेकोरेशन का सामान है, तो इस तरीके से कलर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो एनवायरनमेंट है आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलता है, मतलब दिल्ली के अंदर तो खासकर ये ऐसा एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। मतलब आप ये मत सोचना कि एकदम ही, मतलब कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन आप जब पोल्यूटेड जगह होगी तो उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। सो ये भी एकदम नेचुरल पिक्चर है, मैंने इस पर कोई एडिट नहीं किया। जो आगे इस तरीके से आपको एक ये पिक्चर भी देखने को मिल जाएगी, सो ये भी मैंने इसको कंसीडर इसलिए करा है कि ये मतलब फेस को डिटेक्ट कर सकता है। अगर फेस नहीं भी डिटेक्ट कर रहा तो आपके पास टच स्क्रीन है, वहाँ से जाके डिटेक्ट करा सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, मतलब कोई भी ईजिली इसको यूज़ कर सकता है। इस तरीके से आपको कलर वगैरह देखने को मिल जाएगा। सो बेसिक थिंग इज दैट, देखो आप इस बैग को देख रहे हो कितने फोकस बैग, और ये धीरे 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 ये पीछे तक ब्लर होता हुआ जा रहा है। और आप इस बैग्स को अगर देखो सो इस बैग्स में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्लर दिख जाएगा, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, ये बैग्स वगैरह कितने अच्छे तरीके से ब्लर हो गया, और ये स्मूथ ब्लर होते ही इस वाले पोजिशन से जा रहा है पीछे आपका। और ये कुछ मास्क की पिक्चर्स है, ठीक है। सो मास्क वगैरह मैंने ऐसे ही ऑब्वियसली, अब हमारे तो डेली लाइफस्टाइल में ये मास्क ही चल रहा है। और ये जो पिक्चर है ये मॉर्निंग का पिक्चर है, आई गेस ये शायद 9:30 या 10 बज रहे थे, तो ये मॉर्निंग की पिक्चर है। आप देख सकते हो कि इसने फेस वगैरह को कितने अच्छे तरीके से मतलब डिटेक्ट किया है। और ये मैंने सेल्फी मोड में खींचा था, मतलब टाइमर लगा कि मैंने ये पिक्चर क्लिक करी थी। सो ये भी पिक्चर बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आप टाइमर लगा के भी क्लिक कर सकते हो सैंपल, और ये भी ऐसे ही कुछ आपको सैंपल शॉट देखने को मिल जाएगा। सो ये तो हो गए हमारे आउटडोर वाले शॉट्स, जो जिसके लिए लोग कैमरा खरीदते हैं। डे में तो हर चीज कैमरे में के अंदर फोटोज अच्छी आती है, अब नाइट मोड में कैसे पिक्चर्स आती है वो देखते हैं। कि ये मैंने गाड़ी के अंदर से, शीशे के अंदर से ये पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करी है, आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से। और ये बहुत रात हो रही थी, मतलब स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, स्ट्रीट लाइट्स, उसी की रोशनी से इसको इसने नेचुरल कलर वगैरह कर दिया। आप देख सकते हो कि गाड़ी की लाइट वगैरह भी इसके फेस पे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपको नाइट मोड में तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे ही देगा। उसके बाद आते हैं इस वाली पिक्चर में। सो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि जो स्ट्रीट लाइट दूर से पड़ रही है, इसकी शेडो वगैरह यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, फिर गाड़ी की लाइट्स वगैरह साइड से आपको दिख रही है, मतलब डायरेक्ट लाइट कोई भी नहीं पड़ रही, बट स्टिल ये डार्क मोड में भी कितनी अच्छी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करता है। देखो आप देख सकते हो कि ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है डार्क के अंदर, फिर भी इसने कितने अच्छे तरीके से इसको डिटेक्ट करा है। और ये रात के आई गेस मेरे हिसाब से 7 बज रहे थे, आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से इसने डिटेक्ट करा है। और ये भी मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने मतलब गाड़ी की लाइट से अगर इसको पिक्चर को क्लिक करा है तो फिर मतलब कितना अच्छी तरीके से। और ये मतलब गाड़ी के शीशे के अंदर से है, मेन बात ये है कि इसको फोकस करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ये बहुत आराम से इस पिक्चर के अंदर क्लिक मतलब इसने कर दिया है। और ये है रेड फोर्ट, जिसको आप लाल किला बोलते हो। सो ये भी मैंने चलती हुई गाड़ी में पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करी थी, आप देख सकते हो कि ऑटो का ये मोशन जो आ रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हो कि मोशन वगैरह भी ऑटो का आ गया है, बट स्टिल अगर आपकी चलती हुई गाड़ी है तो भी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली बहुत स्पीड से ना हो लेकिन स्टिल आप इस तरीके से भी आप अपने शॉर्ट्स वगैरह में क्लिक सकते हो। और देख सकते हो नाइट मोड में कितने अच्छे तरीके से पिक्चर आती है। सो ये भी कुछ नाइट मोड की पिक्चर्स है, आप देख सकते हो। सारे शॉट्स मैंने गाड़ी के अंदर से लिए, हालांकि मेरे पास ज़्यादा दिन के लिए कैमरा था नहीं, बट स्टिल सो ये भी कुछ इस तरीके से शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये भी एक डार्क मोड के अंदर आप देख सकते हो, जितनी लाइट आपको दिख रही है ना वही लाइट्स है इस बंदे के ऊपर, मतलब लाइट नहीं है फिर भी इसको मतलब एकदम डिटेक्ट करने की कोशिश करी है इसने, अपना जो भी सेटिंग्स के अंदर ISO सब खोल दिया, मतलब जो भी इसने दिखता है। बट बेस्ट पार्ट ये लगा मुझे कि इसके अंदर आपको ना वो जो मतलब एक होते ना पिक्सल फटने के, वो चीज़ नहीं देखने को मिलेंगे। सो वही चीज़ है कि इसके अंदर आपको पिक्सल फटने के चीज़ें देखने को नहीं मिलती। आप देख सकते हो मैंने जूम किया है और आप देख सकते हो कि ये पिक्सल बिल्कुल नहीं फट रहे, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और एकदम स्मूथ फोटोज़ आती है। सो बेस्ट पिक्चर मेरे को लगा कि इसके अंदर बहुत स्मूथ फोटोज़ आती है बॉस। आगे आप देख सकते हो कि हम लोग एक मतलब एक छोटे से ढाबे या रेस्टोरेंट जिसको भी बोल सकते हो आउटडोर, मतलब उसके अंदर खड़े थे। सो ये जितनी भी लाइट्स है इसी लाइट से सारी रोशनी इधर उधर पहुंच रही है, मतलब लेट्स कंसीडर कि मतलब इधर की जो टेबल है देख रहे हो आप कितना अंधेरे में है, और फिर भी ये नाइट मोड के अंदर मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट करता है। सो मैं इसको भी जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये
आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से इसने फोकस करा है इस चीज़ को, इस पार्ट को, और मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मज़ा आ गया, मतलब नाइट मोड के लिए तो बहुत है। सो जो अगली पिक्चर है वो इस अंकल की है, मैंने अंधेरे में, मतलब ऑब्वियसली जो एक लाइट्स होती है, एक दो लाइट होती है जो दुकान के अंदर छोटी सी लाइट होती है, उसके अंदर भी नाइट मोड के अंदर भी आपको इस तरीके से पिक्चर देखने को मिल जाएगी। सो सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी वो इसके अंदर कलर कॉन्ट्रास्ट है, मतलब इसका कलर जो है ना बहुत नेचुरल है, बहुत अच्छा कलर लगता है, मतलब आपको एक ना निकाल के देगा वो कलर, कलर का इफेक्ट जो है ना वो आपको ब्राइट करके देगा, ताकि आपको बाद में पोस्ट एडिटिंग की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। और इस तरीके से भी आप देख सकते हो, देख रहे हो आप कलर इफेक्ट इसका कितना अच्छा है, मतलब रेड टी शर्ट को रेड करा, मतलब इसका कलर लाजवाब है, मतलब नाइट मोड में भी। ये सारी पिक्चर्स अभी जितनी भी चल रही है सारी नाइट मोड के अंदर पिक्चर्स है। अगली शॉट जो है वो एक बोले होगा कि ये भी एक स्ट्रीट लाइट के अंदर, मतलब अगर मैं बताऊं तो मैंने इसको कंपेरिजन करा था आईफोन XR के साथ, तो उसके अंदर भी वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला जो इसके अंदर रिजल्ट देखने को मिला था, मैंने उसके साथ कंपेरिजन करा था, और मेरे पास ऑब्वियसली ये ज़्यादा दिन के लिए था नहीं, इसलिए मैं कंपैरिजन वीडियो नहीं बना सका। बट एनीवेज मैं ये बताना चाहता हूँ कि नाइट मोड के अंदर तो मतलब बहुत अच्छा है, हल्का सा भी इसको कहीं से भी रोशनी मिलती है तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसको डिटेक्ट करता है और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ को निखार देता है। और ये स्ट्रीट लाइट के नीचे मतलब साइड में रखा हुआ था, और इस तरीके से आपको सारे कलर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ब्लू का ब्लू, ग्रीन का ग्रीन, मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट नाइट मोड में भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। सो अगली जो वीडियो वो इसी तरीके से है कि सारी की सारी चीज़ें आपको इंडोर के अंदर, मतलब आपको एक शॉप के अंदर मतलब शूट देखने को मिल जाएगा। सो ये भी इस तरीके से है, मैं थोड़ा वॉक करके दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट मोड मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन करा था जिसमें आपको क्रॉप नहीं देखने को मिलता, इस तरीके से ये मैंने आई गेस ये भी मेरा फर्स्ट मोड का स्टेबलाइजेशन है, और इस तरीके से भी ये मेरा फर्स्ट मोड का स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो। और ये कुछ सैंपल है जो मैंने इंडोर, मतलब आप मंदिर के अंदर मैंने लिया था, कोशिश करी थी कि उसके अंदर आए, क्योंकि ऑब्वियसली आप घर के अंदर भी वीडियोस वगैरह क्लिक करते हैं तो घर के लाइट्स वगैरह के हिसाब से कैसा लगता है वो दिखाना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली मेरे घर में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था उस तरीके से। सो ये कुछ सैंपल्स है। इस शॉट के अंदर क्या दिक्कत आई थी कि इस फेस को इतने डिटेक्ट नहीं किया था, मतलब ISO को नहीं बढ़ाया था, बट एनीवेज कैमरा है, चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक थिंग है, कुछ सेटिंग्स वो करेगा, कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो जो अगला वीडियो है वो ये है कि गाड़ी के अंदर मैंने शूट करने की कोशिश करी थी, मैं देखना चाहता था कि ये मतलब ब्राइट कितने हिसाब से करता है, किस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ाता है, गाड़ी के अंदर भी फेस डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। सो मैंने ये क्लिक करने की कोशिश करी थी, आप देख सकते हो मैंने गाड़ी के अंदर भी ऐसे फेस डिटेक्ट करने की कोशिश करी थी। सो ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब ISO कंट्रोल करता है, बहुत अच्छी तरीके से ISO बढ़ाता है, और बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसके अंदर मतलब आपको नॉइस नहीं मिलता, मतलब वो जो होता है ना कि पिक्सल्स वगैरह फटते हैं तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलता इस तरीके से। मैं बहुत अपनी तो ये देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया था। सो ये इस तरीके से ऑटोमेटिक वगैरह डिटेक्ट करता है। ये तो थी इंडोर की शॉट जो ज़्यादा मैं क्लिक नहीं कर पाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने शॉट्स में भी काफ़ी लोगों को समझ आ जाएगा कि इंडोर के अंदर पिक्चर्स कैसी आएगी और किस तरीके से आएगी। बाकी तो अगर आप कोई भी फेस्टिवल वगैरह में या फिर कोई भी ऐसे डेकोरेशन वगैरह में जाते हो जहाँ पर लाइट्स वगैरह की बहुत सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली उसमें कोई भी नॉर्मल कैमरा भी बहुत अच्छे से शूट करेगा। सो ये ऐसे ही पिक्चर्स दिखाने का मतलब ये है कि मतलब डेली के रूटीन में हमारे जो शॉट्स लगते हैं, डेली के रूटीन में जो हमारे काम आते हैं, मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप परचेज़ करें तो आपको वो चीज़ में निराशा ना हो कि मेरे को एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़े या फिर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़े। सो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन कर रखा था, तो स्टेबलाइजेशन के बाद इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, मतलब आउटडोर के अंदर कितना स्मूथ और फेस डिटेक्ट बहुत अच्छी तरीके से करता है। सो जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से है, मैंने एक मतलब डबल स्टेबलाइजेशन ऑन करा था, तो आप देख सकते हो कि साइड में बहुत ज़्यादा क्रॉप हो जाता है, मतलब मैं उसी डायरेक्शन में हूँ, उसी पोजिशन में हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए था, मतलब मेरी और जो फ्रेंड की जो डिस्टेंस है वो उतनी ही दूरी पर है जितना होना चाहिए और जो स्टार्टिंग में भी थी। लेकिन आप देख सकते हो कि अभी इतना क्लोजअप लग रहा है, हालांकि मैं बहुत दूर खड़ा था, तो ये डबल जो आपका स्टेबलाइजेशन है, और बहुत जल्दी चल रहे थे हम लोग, इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब शेकी। अगर आप नॉर्मल चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा शेकी आएगा, बट स्टिल ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आप देख सकते हो इसका स्टेबलाइजेशन, वाओ, मतलब कितना सही स्मूथ तरीके से काम कर रहा है आपका इसका स्टेबलाइजेशन। और ये है स्टेबलाइजेशन ऑफ, अगर आप देखें तो मैंने इसमें बिल्कुल स्टेबलाइजेशन ऑफ कर रखा, कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं रखा, तो इसके अंदर देख सकते हो कि आप कितना
कितना जर्क आ रहा है, कितना झटके लग रहे हैं वीडियोस के अंदर। सो बेस्ट चीज इज दैट कि कोई भी वीडियोस के अंदर मैंने कोई भी गिम्बल वगैरह यूज नहीं करा, सारी हाथ से शूट करी और नॉर्मल जैसे शूट करना चाहिए वैसे ही शूट किया है। सो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस तरीके से है, आप देख सकते हो कि हम लोग एक कैफेटेरिया के अंदर थे और कैफेटेरिया के अंदर हम लोग एक शूट वगैरह कर रहे थे। आपको डिपेंड करता है कि ये फेस किसको डिटेक्ट करता है, मतलब कभी आपको ये जो क्लोजअप वाला रहेगा उसको डिटेक्ट करेगा, तो कभी जो थोड़ा सा पीछे होगा उसको डिटेक्ट करेगा। मतलब आप ये आपको मैनुअल मोड में जाके सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना ज़्यादा वाइड करना है, मतलब कितने ज़्यादा ब्लर का या बोके इफेक्ट डालना है। सो इस हिसाब से अगर आप बोके इफेक्ट ज़्यादा डालोगे या मतलब आप अपने एपर्चर वगैरह ज़्यादा मतलब कम एकदम मिनिमम कर दोगे तो ऑब्वियसली ये ब्लर मोड ज़्यादा दिखाएगा। सो इस वाले वीडियो में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम ये लगा कि इस वीडियो के अंदर ये फेस डिटेक्ट इतनी आसानी से नहीं कर पा रहा था, मतलब फेस को एकदम ब्लर रखा हुआ था और काफ़ी देर तक ये ब्लर रखा हुआ था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन हालांकि मेरे को बताना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने बताया, कोई भी सेटिंग्स नहीं छेड़ी मैंने, कुछ भी टच नहीं करा, लेट इट मतलब जैसा था वैसे ही रखा। और इसने थोड़ी देर बाद जाके इसने फेस डिटेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। सो अब जाके इसने डिटेक्ट करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, काइंड ऑफ वियर्ड लगा कि हाँ भाई इतनी देर बाद जब APS-C सेंसर है तो फिर इतने लेट डिटेक्ट क्यों किया। बट एनीवेज कैमरा है, सेटिंग्स है, होती रहती है चीज़ें और बाकी तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हो। सो ये भी एक मेरे ख्याल से स्टेबलाइजेशन मोड में है तो हमने स्टेबलाइजेशन मोड में ऑन करा था। इसके अंदर मैं अपना एक माइक्रोफोन का सैंपल आपको शॉर्ट में दिखाने वाला हूँ कि माइक्रोफोन के अंदर कैसा लगता है और ये माइक्रोफोन जो इसकी इनबिल्ड है वो किस तरीके से साउंड करती है। सो अभी ये जो ट्री व्री शेडो वेडो आपको दिख रहा होगा, सो अब पता नहीं कि कैसा नोटिस कर रहा है कि नहीं। अभी इसने आई डिटेक्ट किया, मास्क उतारा तो मतलब ये मास्क के ऊपर आई डिटेक्ट करने में इसको दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। कोरोना तो मेरे साथ ही शोभा चल रही है, हम लोग एक्चुअली ऐसे ही घूम रहे हैं फिर रहे हैं, शोभा का फोन लेने आए हैं। सो अभी दिखते हैं कि शेडो में कैसा लग रहा है। अब ये तो घर में फाइनल कंप्यूटर में देखने के बाद पता चलेगा कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। सतवीर है, हाय। तो थैंक यू सतवीर मेरा ब्लॉग शूट करवाने के लिए। सो जैसे ही मैं मास्क हटाता हूँ, ये देख मास्क हटाऊंगा ये डिटेक्ट करेगा। ओके तो मास्क में ये फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ओके सो ऑब्वियसली ये मतलब कोरोना से पहले बनाया कैमरा, तो मैंने कहा ना ये कोरोना से कैमरा का पहले। सो ये वीडियो अगेन मैंने उसी जामा मस्जिद के शॉप में वीडियो क्लिक करने की कोशिश करी थी। सो आप मान के चलिए कि ये नाइट मोड के अंदर मैं इसको क्लिक करने की कोशिश कर रहा था, इसको वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और ये बहुत अच्छे तरीके से कलर आपको रिजल्ट देगा, मतलब थोड़ी सी भी लाइट इसको मिलेगी ना मतलब तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा। इस चीज़ में मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कैमरा, तो मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने परमिशन नहीं था। सो इस तरीके से भी आपको एक सैम्पल शॉट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हालांकि मेरे पास परमिशन नहीं था तो मैंने जिस तरीके से भी मतलब इंडोर शॉट बनाया और ऑब्वियसली मेरे पास ये कैमरा ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, इस वजह से मैं क्लिक भी नहीं कर पाया, ठीक है। आप इस तरीके से वीडियोस वगैरह देख सकते हो। सो ये थे सैम्पल शॉट्स जो एक नेचुरल शॉट्स होते हैं जिसको हम डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, डेली के लिए हम क्लिक करते हैं या फिर अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं या फिर अपनी सेल्फीज लेते हैं या फिर अपने वीडियोस बनाते हैं या फिर ब्लॉग शूट करते हैं, तो आपको किस तरीके से काम आ सकता है। स्पेशली ब्लॉग शूटिंग करने के लिए, आपके घर के फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको मतलब अगर आपको ज़्यादा कैमरा बड़ा नहीं लेके जाना, आपको पॉकेट यूज़ कर कैमरा भी आप इसको लेके घूम सकते हो, मतलब बहुत छोटा और पोर्टेबल होने की वजह से आप इसको बहुत जगह कैरी कर सकते हो। तो ये थे हमारे वीडियो शॉट्स और सैंपल शॉट्स। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो में मजा आया होगा, नॉलेज मिली होगी और सैंपल्स आपको पता चले होंगे कि किस तरीके से आपके काम आ सकता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस कर देना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिले और हमें भी बहुत मोटिवेट मिलता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप देख रहे थे स्पिनिंग वाइब चैनल, मेरा नाम है DV जमाल इंडिया। सो बाय और जय हिंद।